गाइस कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों ऑनलाइन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें दोस्तों बिना अपॉइंटमेंट बुक के बिना आधार कार्ड सेंटर जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। गाइस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने का दोस्तों हम यहाँ पे सर्च करेंगे IPPV, उसका दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे लिख के आ चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन हो चुका है। गाइस सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, जो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिखा दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों फिर से नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिखा दोस्तों IPV कस्टमर्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जितनी सर्विस हैं वो सारी शो हो जाएंगे। दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हम यहाँ पे। उसका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जैसे आधार मोबाइल अपडेट, इस वाले को क्लिक करना है। उसका दोस्तों आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना होगा। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे मिस्टर मिस ये सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों आप यहाँ पे जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं उसमें दोस्तों उसका फर्स्ट नाम डालेंगे, उसका दोस्तों लास्ट नाम, यहाँ पे गाइस मोबाइल नंबर, उसका दोस्तों ईमेल आईडी। गाइस एड्रेस फर्स्ट सेकेंड लाइन में दोनों लाइन में अपना एड्रेस कम्प्लीट करेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स हो जाएगी, जैसे दोस्तों आपका ज़िला स्टेट सब कुछ हो जाएगा। उसका दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हम यहाँ पे। उसका दोस्तों यहाँ पे लिखना हमको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट, उसका दोस्तों आई एग्री पर टिक मारेंगे। उसका दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर दोस्तों जैसा कैप्चा कोड लिखा है वैसे ही कैप्चा कोड डालना है। उसका दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स डालने के बाद। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों लिख के आ चुका है योर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इस वेबसाइट द्वारा अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं।